बी अवेयर, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूशन PGI चंडीगढ़ में, और मेरा काम है प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लडर कैंसर, किडनी में स्टोन, किडनी में रुकावट, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पेशाब की प्रॉब्लम, इसके साथ साथ मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसमें जो प्रॉब्लम होती है, जैसे इम्पोटेंस होना या मेल इनफर्टिलिटी होना, तो उसके उस पेशेंट का इलाज करना। तो एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोग जो बच्चे होने में देर होती है या सेमेन एनालिसिस करते हैं तो उसमें पस आ जाती है सेमेन में। पस सेल जो सेमेन में होती है वो हार्म कर सकती है, वो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। यूजुअली कुछ 2 to 5 पस सेल नॉर्मली होते हैं, और पस सेल जब ज़्यादा होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो इन्फेक्शन का यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन हो, सीमिनल वेसिकल में कोई इन्फेक्शन हो, यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो, तो ये सेमेन में भी इन्फेक्शन पस सेल आ सकते हैं। और जब पस सेल सेमेन में होते हैं तो ये इनफर्टिलिटी का कारण होता है। उससे क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल बनते हैं, पस सेल के कारण फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं जो स्पर्म को हार्म करता है। स्पर्म के काउंट कम हो सकते हैं, स्पर्म की जो मोटिलिटी जो ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि स्पर्म नॉर्मल होना चाहिए, काउंट नॉर्मल होना चाहिए, स्पर्म एक्टिव होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए, तो फ्री रेडिकल इंजरी और स्ट्रेस जो पैदा होती है इन्फेक्शन की वजह से, इस सारे पैरामीटर में एबनॉर्मलिटी आ सकती है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो पस सेल सेमेन में पस सेल आने पे सेमेन का कल्चर भी करना चाहिए, और कॉमन बैक्टीरिया जो है वो तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सिंपल कल्चर में नहीं आते हैं, जैसे क्लैमाइडिया हो गया, नाइजेरिया हो गया, ये सारे बैक्टीरिया कॉमन कल्चर में नहीं आते हैं, तो फिर इन्हें एक स्पेशल तरह की एंटीबायोटिक दी जाती है जिससे कि इन्फेक्शन क्योर हो जाए। और इन्फेक्शन क्लियर होने के बाद ये कुछ दिनों के बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन सेमेन का एनालिसिस में कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जब सेमेन निकलती है तो उसे 1 घंटे के अंदर ही एनालाइज करना पड़ता है। पहले निकलेगी तो सेमेन थिक होगी 30 से 45 मिनट के बाद, या फिर थिन हो जाती है तो मोटिलिटी उसमें देखते हैं, और फिर ये थिक हो जाएगी। इसलिए यदि आपको सेमेन की सही टेस्ट करनी है तो क्लीन बर्तन में, स्टराइल कंटेनर में 1 घंटे के अंदर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। कभी कभी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा सेमेन जो है पतला है, थिक है, ये अपना अपना लोगों को सोचने का तरीका है, लेकिन जो सेमेन के अमाउंट ठीक होने चाहिए, सेमेन में इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए, स्पर्म काउंट नॉर्मल होने चाहिए, इरेक्शन नॉर्मल होने चाहिए, यदि ये सारे पैरामीटर नॉर्मल है तो फिर थिक और थिन पे आप पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और बेवजह इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, पस इन सेमेन पायोस्पर्मिया पे अवेयरनेस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड।